का हमारी वीडियो का एक सीन लिया गया था भूत वाला बाबर पार्ट टू में, इस तरह से आया था ऐसे करके काफी डरावनी जगह है दोस्तों। आने की तो मैं अकेले सोच रहा था लेकिन मेरी भी ऐसी ऐसी हो रही थी। अच्छी हरियाली थी दोस्तों और बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पे लग रहा कोई लोग रहने लगे हैं। निकल हुए थे ऐसे करके और यहाँ से निकल के आए थे। इस तरह का व्यू देखो दोस्तों देखने को मिलेगा यहाँ पे, और जो है एकदम भूतिया जैसी वीडियो नहीं बनेगी यहाँ पे। हाय फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक भूतिया जंगल, जो यहाँ पे हमने एक वीडियो शूट किया था काफी समय पहले, इसका नाम था बाबा पार्ट टू, और दूसरा जो वीडियो हमने शूट किया था CID, जो यहाँ पे काफी अच्छी जगह लगती है, डरावनी जगह है। यहाँ पे हमने भूतिया मतलब वीडियो शूट की थी, और आज मैं आपको यहाँ के सारे व्यू दिखाने वाला हूँ कि किस किस तरह से हमने यहाँ पे अपना वीडियो शूट किया था दोस्तों। तो बने रही वीडियो के साथ लास्ट तक। तो गाइस हम बता दें आपको, ये हम आए हैं अपनी धनु से, ये हमारे धनु है, मेरी मेहनत की खून पसीने की कमाई की है ये, किसी ने मुझे लेके नहीं दिया गाइस। तो अब हम आपको दिखाते हैं व्यू। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे हमारी वीडियो का एक सीन लिया गया था भूत वाला बाबर पार्ट टू में, यहाँ से जो मैं आपको अभी जो वीडियो में जो फोटो दिख रहा है यहीं का वो सीन था बाबा पार्ट टू वाला, बहुत अच्छा व्यू था दोस्तों। और इधर से जो है मैं इस तरह से आया था ऐसे करके, ये करके जो सीन दिया था काफी डरावनी जगह है दोस्तों। आने की तो मैं अकेले सोच रहा था लेकिन मेरी भी ऐसी ऐसी हो रही थी, तो मैं यार दोस्तों को लेके आया, साथ में नहीं आया, चलो यार अकेले डर लगेगा। मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा दोस्तों को जो पिछली वीडियो में अधूरी रह गई थी। तो अब इधर चलते हैं फटाफट। और गाइस मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो CID वीडियो का जो सीन लिया था हमने स्क्रिप्ट में, यहाँ का जो फोटो था दोस्तों जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। तो अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कुछ, और जो आप देख रहे हैं बहुत सूखा सूखा सा, ये काफी अच्छी हरियाली थी दोस्तों और बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पे लग रहा है कोई लोग रहने लगे हैं, और मुझे लग रहा है कोई भाई बंधु और भी इधर रह रहे हैं, तो उन्हें भी मुलाकात कराते हैं कि यहाँ ये मतलब कहाँ के लोग हैं रहने वाले यहाँ पे, और इतने डरावने सीन पे यार कैसे रह रहे हैं ये। और ये जो झाड़ी थी तो यहाँ से अपने बाबा पार्ट टू में जो है बाबा पार्ट टू में यहाँ से बाबा प्रकट हुए थे ऐसे करके, और यहाँ से निकल के आए थे। और गाइस यहाँ पे जो है हमारा CID मूवी का सीन, और यहाँ पे CID वीडियो का सीन दिया गया था स्क्रिप्ट में, तो जो लुक के देख रहा था वो यहाँ से देख रहा था, वैसा ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हम भैया से मिलवाते हैं यार कि यहाँ पे मतलब कौन कौन लोग कैसे कैसे रहते हैं। अपना ये तो सब सुनने गए हैं हम, यहाँ पे थोड़े दिन पहले वीडियो शूट करके गए थे तो कुछ नहीं था यहाँ पे, बहुत सुनसान सा था, तो वो देख के देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे रहते हो। अच्छा अच्छा, वैसे कहाँ के रहने वाले हो आप? पहले भी तक रहने वाले हैं खेड़गढ़ की तरफ के, तो यानी हमारा पड़ोसी हो, हम आदमपुर से हैं। तो मतलब अकेली रह रहे हो या और कोई भी है? और अच्छा और भी है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे अकेले नहीं रहते हैं, इनके साथ में काफी लोग हैं, और जो है बताया जाए तो इनके साथ में भेड़ बकरी मतलब पूरी मतलब रैली की रैली है। जैसे जैसा कि मैंने इससे पहली वीडियो में आपको दिखाया था कि मतलब रैली जो मतलब बोलते हैं कि भेड़ वाली जो जिसका रूअर वगैरह बनता है। हाँ। तो फ्रेंड्स काफी अच्छा लगा हमें इनसे मिलके भैया से, और जो है ये खेड़गढ़ के रहने वाले हैं, और यहाँ पे वैसे तो सुनसान जगह है भैया, अकेले किसी की बस की बात नहीं, डरावनी जगह है, बहुत हिम्मत वाले हैं भैया जो यहाँ पे रह रहे हैं। भाई हम तो यहाँ पे बाबा पार्ट टू जब से मतलब भूतिया वाली वीडियो शूट कर गए थे तब से आज आया हूँ मैं, और लाइट वाइट मिल रही है यहाँ पे नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखो इतने इतने बड़े गोदाम जो है ना यहाँ पे लाइट की तो दोस्तों कोई भी व्यवस्था नहीं है। और मैं आपको बता दूं भूतिया महल है और जंगल कुछ भी नहीं है, अगर असली बात बताई तो ये कत्था फैक्ट्री थी पहले, और इसमें पहले फिर उसके बाद खाद का गोदाम भी रहा, और उसके बाद अब कुछ भी नहीं है। कुछ इस तरह के देखो जो है व्यू दिखते हैं, अगर कुछ इस तरह का व्यू देखो दोस्तों देखने को मिलेगा यहाँ पे, और जो है एकदम भूतिया जैसी वीडियो नहीं बनेगी यहाँ पे, अगर भूत वाला अगर भूत को ला के खड़ा कर दिया जाए साक्षात ये लगेगा कि हाँ शैतान आ गया यहाँ पे दोस्तों। और कुछ इस तरह की जो है मार्केट है यहाँ पे, मार्केट मतलब मार्केट रह चुकी है, बकरियों में बहुत आगे हैं ये, किसी टाइम मार्केट रह चुकी है, लेकिन अब जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है दोस्तों, अब सब कुछ बंद हो गया। और जरा नीचे कैमरामैन नीचे करना, देखना भाई साहब
बकरी कहाँ, बकरी का कितना भाई साहब पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, हक हक के इनने भर दिया, पूरा ग्राउंड को साफ कर दिया यार, घास जला दिया। और अगर सच बात बताई है आपको मजा तो आता होगा, लेकिन यार मैं क्या कहूँ, बदबू तो बहुत ही बेशुमार आ रही है, लेकिन क्या है यार, जानवर का पोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है यहाँ पे रह रहे हैं ये अंदर रहे, अंदर आपने साफ सफाई करी हुई इसमें? अरे ग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा है, आ जाओ भैया, आ जाओ यार, पाओगे। हाँ देखो गाइस, इस तरह का देखो प्लांट, गोदाम खाली है, लेकिन यहाँ पे रात में तो रहने का यार कोई सवाल ही पैदा नहीं है, कैसे रहते हैं बस यही जानते होंगे भैया। चलो हम आपको आगे भी कुछ बैठाते हैं। भैया कैमरा में कहते कालवा हो अंदर वाले एरिया, यहाँ हटके चार ही जाएंगे हम रात में, अपनी आवाज से डर लगा है। यहाँ पे आगे जो है बकरी वगैरह काफी बैठती है, और ये गोदाम है खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे बकरियों की, और जो है काफी अच्छा लगता है यहाँ पे, ये इनकी साइकिले है, मतलब रहने सहने का कुछ व्यवस्था है, और लग रहा है बकरी भी महीने महीने में कर रही है। अच्छा तुम्हारा बोलना है बच्चा, मैंने आपको यहाँ का सीन तो दिखाई दिया होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा, कुछ अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई होंगी कि मतलब जो है किस तरह से हमने यहाँ पे वीडियो शूट किया था, और आज मैंने सारी बातें आपको बता दी, तो अब यहाँ से हम चलते हैं, अब दिखाते हैं हम आगे का अच्छा व्यू, अभी तो हमें बेरी के बेर भी खाना है यार, काफ़ी मज़ा आने वाला वीडियो। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम आ गए हैं, अब जो है बेर तोड़ेंगे, बेर की है बेरिया, जैसा कि फ्रेंड्स वो देखो यहाँ से दिख रही बेरिया, तो हम चलते हैं जो है बेरी पे तो आ गए, लेकिन ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स यार जो है बेर यहाँ पे कुछ इस टाइप के हैं, यानी कि बोले तो कच्चे कच्चे हैं, मजा नहीं आया यार यहाँ पे आने की, हमारी मेहनत थोड़ी खराब हुई। तो हाँ मैंने बात सुन कैमरामैन, अभी हम पीछे गए थे तो यार एक छोटा सा पेड़ था, वहाँ पे भी तो बेर अच्छे लग रहे थे, पके हुए बिल्कुल, हाँ थे भाई वहाँ, तो यार यहाँ को छोड़ के फिर चलते हैं वहाँ पे यार, ठीक है भाई, ठीक है चलो फिर चलते हैं। बेरी के बेर खट्टे हैं यार, तो फ्रेंड्स चलते हैं यहाँ से यार, यहाँ पे बेर तो नहीं मिले, अगर अब हम आपको जरा आगे वाली बेरिया के बेर खिलाएंगे और दिखाएंगे, बहुत मजा आने वाला है गाइस, आ जाओ कैमरा मैन जल्दी। तो फ्रेंड्स अब हम जो है दूसरी बेरी पे आ गए हैं, और काफी मजा आएगा बेर खाते हुए, इस बेरी पे जरा पके हुए बेर लग रहा है, तो अब हम जरा दिखाते हैं आपको बेर। तो फ्रेंड्स देखिएगा इस तरह के जो बेर है, और काफी अच्छे लग रहा है पके पके हुए, देखो गाइस आहा मजा आ गया यार, बड़ा खट्टे खट्टे लग रहा है भाई, लेडीजों के लिए ये ऐसे बेर मिल जाए खाने को तो ये कहेंगी कि और मिल जाए हमें खाने के लिए। बाकी फ्रेंड्स जो है बेर तोड़ते हैं, कच्चे कच्चे हम खाएंगे और पक्के पक्के अपनी मम्मी जी को लेके जाएंगे। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यार हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।